नमस्कार, मैं धर्मता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अब तक एनसीबी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी, उसके बाद में लोगों को लगा कि शायद अब एनसीबी की कार्रवाई कुछ दिनों के लिए सुस्त पड़ गई है, लेकिन एनसीबी अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दरअसल एनसीबी ने जितने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं एनडीपीएस के सेक्शन 27A के तहत, अब उन सभी की जो चल अचल संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा खंगाला जा रहा है। और ये पता किया जा रहा है कि इन लोगों ने पिछले पाँच छः साल के दौरान कितनी संपत्तियां अर्जित की हैं, कहां कहां से अर्जित की हैं, कितनी संपत्तियां इनके नाम पर हैं और कितनी संपत्तियां बेनामी के तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इन सभी संपत्तियों को जब्त करने की, फ्रीज करने की और कुर्क करने की कार्रवाई एनसीबी करेगी। दरअसल ये जो अधिकार है एनसीबी के पास, ये एनडीपीएस एक्ट की धारा 5A के तहत मिला हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर 10 साल या उससे ज़्यादा का जेल का केस लगा हो, उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का, जब्त करने का और उनको फ्रीज करने का अधिकार एनसीबी को मिल जाता है। और इसके लिए वो उन लोगों की संपत्तियों को भी चेक कर सकती है जो किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति से संबंधित रहे हों, या फिर ऐसे व्यक्ति से किसी व्यक्ति के साथ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किया हो, यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण किया हो, नामांतरण किया हो, यानी कि वो बेनामी संपत्ति भी हो सकती है उसकी। और इस सब के पीछे वजह ये है कि किसी भी तरीके से जो नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, जो नशे की तस्करी करते हैं, उन लोगों को उस लाभ से वंचित कर दिया जाए जिस लाभ को लेने के लिए वो ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। इस पूरे मामले में जिन जिन लोगों की संपत्ति पर ये कार्रवाई शुरू हो गई है उनकी अगर बात करें तो इसमें रिया चक्रवर्ती है, सौविक चक्रवर्ती है और जो पेडलर है बासित परिहार, पेडलर जैद, इसके अलावा फिल्म मेकर जो छत्तीस प्रसाद है, ये करण जौहर का खासम खास है, और पेडलर अंकुश है, डवान और केजी उर्फ करमजीत भी है इसमें, डवान कंपनी है जया शाह की। तो ये सारे लोग हैं, इनकी संपत्तियों को निगरानी में रखा हुआ है एनसीबी ने। और उस संपत्ति को निगरानी में रखने के बाद में जब सारी डिटेल खंगाल ली जाएगी, इनके जो रिटर्न हैं इनकम टैक्स में वो जांचे जाएंगे, उसके अलावा इन लोगों ने वास्तव में कितनी संपत्ति को भोगा है ये भी देखा जाएगा। क्योंकि होता यह है कि व्यक्ति अपने नाम पर संपत्तियां कम दिखाता है लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा का कर रहा होता है, जैसा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में देखने को मिला है। दूसरे वो रिटर्न में कुछ कहता है और वास्तव में उसके पास होता कुछ और है, ये भी रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती के मामले में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। तो यहाँ जिस तरीके से कुछ लोगों को ये लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद में अब एनसीबी के जो पूरा का पूरा जाल है, एनसीबी का जो शिकंजा है, उससे वो निकल चुकी है, तो वो भ्रम में थे। और उन लोगों के लिए इसके द्वारा एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब एनसीबी चैप्टर 5A के तहत जिस तरीके की जब्तीकरण की कार्रवाई करने जा रही है, फोरफीचर की कार्रवाई करने जा रही है और फ्रीजिंग की कार्रवाई करने जा रही है, उसके बाद में इन लोगों ने जो गलत तरीके से नशे की तस्करी करके, नशे का सौदागर बनके जिस तरीके से संपत्तियां अर्जित की थी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी हुई, क्योंकि नशे का पूरा कारोबार जो चलता है ये पैसे के लालच में चलता है। और पैसे के लालच में ये जो नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं हर एक जिंदगी के एक तरीके से दुश्मन बनते हुए दिखाई देते हैं। और अब इन दुश्मनों के ऊपर जो कार्रवाई एनसीबी कर रही है, उस कार्रवाई के बाद में महाराष्ट्र सरकार भी सकते में है, महाराष्ट्र की पुलिस भी सकते में है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला इतने ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा और इतने ज़्यादा लोगों को इसमें फंसना पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बॉलीवुड में जो दूसरे लोग हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त रहते हैं, नशे के कारोबार और नशे के इस्तेमाल में भी लिप्त रहते हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर एनसीबी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उसे कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने भी अगर जांच चलती है तब भी एनसीबी इस जांच को बड़ी ही संजीदगी के साथ में, गंभीरता के साथ में आगे बढ़ाती रहेगी। और जैसा कि गृह मंत्रालय से एनसीबी को निर्देश मिला हुआ है कि इस मामले में एक भी बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ बचना नहीं चाहिए, और अगर वो मगरमच्छों के ऊपर भी 27A का सेक्शन लग जाता है तो निश्चित तौर पर आप मानिए वो कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे S हो, चाहे R हो, चाहे A हो या N हो,
वो कोई बचेगा नहीं और हर एक व्यक्ति की संपत्ति का भी जब्तीकरण एनसीबी के द्वारा किया जाएगा, उसका फोर्फिटीकरण किया जाएगा, उसको फ्रीज भी किया जाएगा, यानी कि वो उस संपत्ति का ना तो इस्तेमाल कर पाएंगे, ना खरीद फरोख्त कर पाएंगे और ना ही उसके किसी तरीके से उसका लाभ ले पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो मामला है अब बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को ये लग रहा था कि वो अपने पैसे के दम पर और सतीश मानसिंदे जैसे वकीलों के कुतर्कों के दम पर अपने आप को बचा ले जाएंगे, लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। एनसीबी हर वो हथकंडा अपनाने में जुटी हुई है जिसके द्वारा वो इन नशे के कारोबारियों को, तस्करों को और नशे के आदियों को इनके अंजाम तक पहुंचा सकती है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सामने आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को ये पता नहीं था कि उनको कब से ड्रग्स दिया जा रहा है, जबकि बाकी जो लोग पकड़े गए थे, चाहे दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो या फिर रकुलप्रीत सिंह हो या रिया चक्रवर्ती हो, इन सब ने एक स्वर में ये कहने की कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत तो नशे का सेवन करता था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, यानी कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, श्रद्धा और रकुलप्रीत के, सारा अली खान के जो फ़ोन की डिटेल खंगाली गई, रिया चक्रवर्ती ने तमाम नामों का खुलासा किया, उसके बाद जो नामों के खुलासे हुए उसमें बहुत लंबी एक लिस्ट बन गई और उस लिस्ट में से धीरे धीरे करके एनसीबी अन्य दूसरी एजेंसियों के मार्फत तमाम जानकारियों को जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा जल्दबाजी नहीं करना चाहती जिससे कि दूसरे लोग सतर्क हो जाएं, जैसा कि रिया के मामले में शुरुआत में देखने को मिला था कि जैसे जैसे एनसीबी लोगों को सम्मन कर रही थी उससे पहले ही वो लोग वकीलों से सलाह लेकर अपने लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर ले रहे थे जिसके आधार पर वो जवाब दे रहे थे एनसीबी को, और एनसीबी को ये समस्या से रूबरू होना पड़ा था कि किस तरीके से चाहे दीपिका पादुकोण हो या सारा अली खान हो, श्रद्धा कपूर हो, रकुलप्रीत हो या फिर दीपिका पादुकोण ये या फिर रिया चक्रवर्ती और सौभिक चक्रवर्ती हो, ये शुरुआत में जिस तरीके के जवाब दे रहे थे वो जवाब वो थे जो उन्हें उनके वकीलों ने समझाए थे। तो यहाँ सारा मामला इसको लेकर भी है कि जिस तरीके से ये झुठलाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने कभी भी नशे का उतना ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं की है, जैसा कि इनके वकीलों ने बता दिया था कि एक निश्चित सीमा से कम मात्रा में अगर खरीद फरोख्त होती है तो वो 27 ए सेक्शन नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को जोड़ा गया और एनसीबी के द्वारा सबूतों को जुटाया गया, उसके बाद तमाम लोगों के बयान अलग अलग लिए गए, उनसे जानकारियाँ जुटाने के बाद एक शिकंजा कसा गया और उस शिकंजे में रिया चक्रवर्ती का भाई सौभिक चक्रवर्ती फंस गया। अब सौभिक के फंसने के बाद में रिया हालांकि जेल से बाहर है, वो जमानत पर है, उसके बावजूद रिया को यह पता है कि निश्चित तौर पर वो अभी पूरी तरीके से बरी नहीं हुई है, और ये बात सतीश मानसिंदे भी जानता है, महाराष्ट्र सरकार भी जानती है, महाराष्ट्र पुलिस भी जानती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले में फिर से एक सबूतों को मिटाने की कोशिश करने में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने भी एक जाँच की थी, एक महीने लंबी उनकी जाँच चली थी और उसमें उन्हें पता चला था कि बॉलीवुड में ज़्यादातर जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो सब नशे के आदि हैं, चाहे चरस पीते हों, अफीम खाते हों या फिर गांजा और भांग का सेवन करते हों, भांग के ऑयल का, भांग के तेल जिसे कि सीबीडी ऑयल कहा जाता है, या कोकीन के शौकीन हैं, और जो बड़े पेडलर्स हैं उनके साथ इनका खरीद फरोख्त का बहुत पुराना व्यवहार चलता है। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने ये पूरी जांच को दबा दिया, इस रिपोर्ट को छुपा दिया, क्योंकि उसे पता चला कि ये तो पूरा का पूरा बॉलीवुड इसमें एक्सपोज हो जाएगा, सारे के सारे बॉलीवुड के जो लोग हैं वो इस नशे के हमाम में जिस तरीके से नंगे खड़े हुए हैं वो अगर जनता के सामने आएगा तो बॉलीवुड का पूरा कारोबार मुंबई से बंद हो जाएगा, जिसकी चिंता सबसे ज़्यादा उद्धव ठाकरे को सता रही थी, संजय राउत और अनिल देशमुख को सता रही थी, और इसीलिए उन्होंने मुंबई पुलिस की उस जाँच की रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया, जिसमें ये पूरी तरीके से साबित हो गया है कि मुंबई के ज़्यादातर फिल्मकार, ज़्यादातर फिल्मों में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस और जो दूसरे टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं ये नशे के बहुत बड़े लती हैं, यानी कि नशे से ग्रस्त हैं और उससे इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च होता है, और इस नशे के माध्यम से जो एक नार्को टेररिज्म चलता है जिसमें दुबई तक इसके तार जाते हैं, पाकिस्तान तक तार जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तमाम खरीद फरोख्त होती है, ये सारा जो एक पूरा
तिकड़म चल रहा था, पूरा का पूरा एक नेक्सस चल रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश में एनसीबी लगी हुई है। और उसमें जिस तरीके की जानकारियां मुंबई पुलिस को लगी है, तो मुंबई पुलिस उन सभी सूत्रों को दबाने की कोशिश में है, उन पेडलर्स को छुपाने की कोशिश में है, जिनके पकड़े जाने के बाद में बड़े बड़े नामों के ऊपर से नकाब हट जाएगा, जिनमें हम पहले आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से इसमें शाहरुख जैसे बड़े बड़े नाम आ रहे थे सामने, रणबीर कपूर से लेकर अर्जुन रामपाल तक इसमें सामने आ रहे थे, और करण जौहर की पार्टी में जिस तरीके से कई लोग शामिल थे, चाहे विक्की कौशल हो या शाहिद कपूर हो, ये सब के सब इस पूरे नेक्सस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको बचाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अब एनसीबी जो संपत्ति के जब्तीकरण का जो एक अधिकार उसको मिला हुआ है उसको प्रयोग करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद निश्चित तौर पर इस केस में और ज़्यादा तेजी और ज्यादा नाम आने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही संपत्तियों को जब्त किया जाएगा तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और जिनकी वजह से दूसरे अभी तक बचे हुए हैं वो उनका नाम लेकर उनको एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।